हेलो गाइज, आज मैं आपके सामने स्क्वेयर्स की नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ, मतलब बेसिक्स मैथमेटिक्स की ये सेकेंड वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, स्क्वेयर निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम पाँच वाले रूट्स के जो यूनिट प्लेस है पाँच, उन्हें देखते हैं। जैसे पाँच है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, 85 है, 95 है, यानी 5, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इनके स्क्वेयर्स कैसे निकाले जाएंगे गाइज, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि जो 5 है उसका स्क्वेयर होता है 25, यानी 25। अब अगर हमें 25 का निकालना है तो पहले हमें 5 का स्क्वायर निकालना होगा 25, और 2 से बड़ा जो नंबर है वो 3 है, यानी 2 3 6, तो ये बन जाएगा 625। इसी तरह से जैसे 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर 25, और 3 से बड़ा नंबर क्या है? 4, तो 3 चौक 12, यानी ये बन जाएगा 1225। इसी तरह से हमारे पास में 5 है तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, और 4 से बड़ा क्या है? 5, तो 4 पंजे 20, यानी बन जाएगा 2025। इसी तरह से 55 का, तो 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, और 5 से बड़ा नंबर है 6, यानी 5 छके 30, तो ये बन गया 30-25। इसी तरह से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और उसके बाद में 6 से बड़ा क्या होता है? 7, तो 6-7-42, यानी ये बन गया 4225। इसके बाद में 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25-25, और 7 से बड़ा नंबर क्या है? 8, तो 7-8-56, यानी ये बन गया 56-25। इसके बाद में 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 25, और 8 से बड़ा क्या है? 9, तो 8-9-72, यानी 8-9-72, तो यानी बन गया 72-25। इसके बाद में 9 का 5 का स्क्वायर होता है 25, और 9 से बड़ा क्या है? 10, तो 9-10-90, यानी 9-10-90, यानी यह बन गया 90-25, यानी 90-25। तो गाइज, इस तरह से हम 5 का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जिसके भी यूनिट प्लेस पर मतलब 5 रहा तो हमें इसको इसी तरह से निकालना है, 5 का 25, और 25 का 625, 35 का 1225, 45 का 2025, 55 का 3025, और 65 का 4225, 75 का 5625, 85 का 7225, और 95 का 9025। अब गाइस, हमारे पास 12 है, 13 है, 14 है, 16 है, 17 है, 20 है, तो 12 का स्क्वायर निकालना है, 13 का भी स्क्वायर निकालना है, 14 का भी स्क्वायर निकालना है, 16 का स्क्वायर निकालना है, 17 का स्क्वायर निकालना है, और 20 का स्क्वायर निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा गाइज इसका फंडा है कि आपको इसको कैसे निकालना है। तो पहले हमें क्या करना होगा? 2 का स्क्वायर निकालना है। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, 2 एक 2, और 2 के डबल करना है तो ये बन जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये बन गया 144। बहुत ही आसान है गाइस, पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 2 का मुरब्बा ये हो गया 4, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक 2, और इसका डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा 4, यानी 44 हो गया। अब 1 का स्क्वायर आ गया तो 144 हो जाएगा। इसके बाद में गाइस, अब ये तीन का स्क्वायर होता है 9, तो ये 3 का स्क्वायर हमने 9 निकाल लिया। इसके बाद में अब क्या करना है? इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एक 3, और 3 के डबल करना है, तो 3 के डबल होते हैं 6, तो ये आ गया 6, और फिर 1 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया 171। इसके बाद में अब 14 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, तो 16 का हमें 6 लेना है, और हाथ का 1 लेना है, यानी कैरी 1। अब इनको क्या करना है गाइज? आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 एक 4, 4 के डबल होंगे 8, 8 में ये 1 मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 9, और उसके बाद में 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी 196। ठीक इसी तरह से जैसे ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, तो 36 का हमें 6 लेना है, और हासिल का 3 लेना है, यानी हाथ का 3 लेना है। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का 6, 6 के डबल क्या होते हैं? 12, 12 में 3 मिलाएंगे तो बन जाएंगे 15, 15 के 5, और हासिल का 1 लेना है। फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, यानी 256, यानी 256। इसी तरह से 17 का स्क्वायर भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का 9 लेना है, और कैरी 4 लेना है। फिर इसके बाद में इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 7 एक 7, 7 के डबल कितने होते हैं? 14, 14 और 4 ये 18, तो 18 के 8, और हासिल का 1, यानी कैरी 1। उसके बाद में 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो ये बन जाएगा 289। इसी तरह से जैसे कि 0 का स्क्वायर होता है 0, और उसके बाद में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, ये 0, और 2 का स्क्वायर 4, तो यानी ये हो जाएगा 400। तो गाइस, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ यही ट्रिक पर।
अब गाइस करना क्या है, जैसे कि 5 को मल्टीप्लाई 4 से करना है, 5 को मल्टीप्लाई 20 से करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ज़रब कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी 5 को किसी इवन नंबर से, इवन नंबर मतलब होता है जुफ्त अदद मतलब जो मतलब जिसे हम सम संख्या बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड्स होता है, जैसे 4 2 से डिवाइड होता, 20 2 से डिवाइड होता, 16 2 से डिवाइड होता, 888 2 से डिवाइड होता, 40 2 से डिवाइड होता, इसके बाद में जो है तो अपने पास में 100, ये भी 2 से डिवाइड होता है। जैसे कि हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे क्या हम, तो गाइस करना क्या है, 4 का हाफ करना है, 4 का हाफ होता है 2, और 2 के आगे एक जीरो लगाना, ये तो बन जाएगा 20। इसी तरह से 20 का हाफ क्या होगा, तो 20 का हाफ होगा 10, और आगे एक जीरो लगाना है एक्स्ट्रा, यानी बन जाएगा 100। अब 16 का हाफ क्या होता है, 16 का हाफ होता है 8, तो ये आ जाएगा 8 और एक जीरो लगा देंगे, ये बन जाएगा 80। इसके बाद में जैसे कि 8 का हाफ 4, 8 का हाफ 4, 8 का हाफ 4, और आगे एक जीरो लगा देंगे। इसके बाद में हमारे पास में 40, 40 का हाफ हो जाएगा 20, और इसके बाद में एक जीरो लगा देंगे, बन जाएगा 200। ऐसे ही 5, 5 को इंटू कर रहे हैं 100 से, तो 100 का हाफ क्या होता है 50, तो ये आ गया 50, और आगे एक जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा 500। मतलब मल्टीप्लाई करने का बड़ा आसान तरीका है, जब भी हमें इवन नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को ज़रब करना है जुफ्त अदद से, तो करना क्या है, इसके आधे करना है, जो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 का हाफ 2 हो जाएगा, आगे एक जीरो लगा देंगे, 20 का हाफ मतलब जो है तो 10 हो जाएगा, आगे एक जीरो लगाएंगे, 16 का हाफ जो है 8 हो जाएगा, उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, जैसे 8 का हाफ 4, 4, 4, इस तरह से आगे एक जीरो लगा देंगे। इसी तरह से 40 का हाफ 20 हो जाएगा, एक जीरो लगाएंगे, और 100 का हाफ जो है तो 50 हो जाएगा, आगे एक जीरो लगा देंगे। अब गाइस हमारे पास में 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 को 9 से ज़रब करना है, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होता है सिंपली। इसी तरह से 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान है गाइस, करना क्या है आपको, मतलब 99 तो पहले 81 लेना है, ये हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब 9 कितने बार है, 2 बार, तो एक बार 0 लगाएंगे और एक बार 9 लगाएंगे। इसी तरह से आप इसे 999 मल्टीप्लाइड बाय 999, तो करना क्या है, इसे पहले आपको 81 लेना है। अब 9 कितने बार है, 1 2 3, तो 2 बार 0 लेना है, मतलब एक कम, और 2 बार 9 लेना है। इसके बाद में 9999 कितने बार है, 4 बार, तो आपको करना क्या है, पहले 81 लेना है, ये ले लिया आपने 81। इसके बाद में 9 कितने बार है, 4 बार, तो 3 बार 0, 1 2 3, और 3 बार 9, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब गाइस हमें 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसको क्या करना है आपको, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 दोनी हो जाएगा 6, यानी हमें इसे लिखना पड़ेगा दो डिजिट में 06। इसके बाद में अब या तो 103 में 2 मिलाना है, या तो 102 में 3 मिलाना है, तो 103 में अगर हम ये 2 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 105, तो इसका आंसर आ जाएगा 10506। बहुत ही आसान है गाइज। इसके बाद में देखो गाइज, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 5 दूनी हो जाएगा 10, तो ये ले लिया हमने 10। उसके बाद में या तो 102 में 5 को जोड़ दो, या तो 105 में 2 को जोड़ दो, तो 105 में हम 2 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 107, तो ये आ जाएगा 10710, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 4, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 4 सत्तर हो जाएगा 28, ये आ गया 28। अब या तो 104 में 7 प्लस कर दो, या तो फिर 107 में 4 प्लस कर दो, तो 107 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा 111, तो ये आ जाएगा 11128। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। अब गाइस हमारे पास में 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो बहुत ही आसान है, यानी 1 ये कितनी बार है, 1 2, तो ये लिख दिया हमने 1 2, और फिर अपोजिट में 1 यानी 1 2 1। इसी तरह से जैसे 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 लिख देंगे पहले, और फिर उलट चलेंगे, यानी 2 1, बहुत सिंपल है। इसी तरह से ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो फिर लिखेंगे 3 2 1, बहुत ही आसान है। इसके बाद में ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए 1 2 3 4 5, तो फिर 4 3 2 1, बहुत ही आसान है।